करते हैं उसको पूछो, उसका प्रोफेशन मेरा काम है भाई, क्योंकि वो कर करके सुन हो गया, उसको नहीं लगता कि वो चोरी कर रहा है। कोई सुन रहा मुझे? क्यों? उसका मन सुन हो गया। देखो हम इधर बैठे दुनिया में, जब पाप होता है क्या करने का, तुरंत प्रभु को बोलेगा, प्रभु जी मुझे क्षमा कर, मुझसे गलती हो गया, तू मुझे माफ कर। तो प्रभु आपको उसी समय माफ करेगा। अब वो पकड़ जो शैतान का आया था, प्रभु यीशु उसे तोड़ देगा और फिर आप आजाद हो जाएगा। हालेलुया। पहली बार होता है, ठीक है आप जाएगा, होता है बीच में होता है, हम इतना प्रचार करते हैं, आप बोलते हैं पाप होता है, यस होता है कभी कभी, पर तुरंत प्रभु को बोले, प्रभु जी मुझसे गलती हो गया, मुझे तो क्षमा कर। प्रभु क्षमा करेगा, यस सर, क्षमा भी करेगा। वो पकड़ जो शैतान का हाथ में आती है उसे तोड़कर वापस यीशु उस पकड़ को लेगा और वापस आपको आशीष करेगा। हालेलुया। पहला पत्रस 3:21 निकाला, जल्दी से वचन को पढ़ेंगे। उस पानी का दृष्टांत, उस पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर का मैल दूर होने का अर्थ नहीं है। इसका मतलब नहीं, बपतिस्मा लेने से शरीर का मैल हो तो घर में भी साबुन से धो सकता है। कोई सुन रहा मुझे? इधर हम स्नान लेने नहीं आए, किसी को बोलो हम बपतिस्मा लेने आए, हम बपतिस्मा लेने आए। आमीन। परंतु शुद्ध विवेक से, जब आप बपतिस्मा लेता है आपका विवेक, आपका कॉन्शियस पवित्र हो जाता है। हमें अब तक जो सोचता वो निकल जाएगा, परमेश्वर उस सोच, उस विवेक, उस कॉन्शियस को पवित्र करेगा। क्या लिखा है? शुद्ध विवेक से, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। शुद्ध विवेक से किसकी वंश में होने का अर्थ है? परमेश्वर के वश। बपतिस्मा शुद्ध विवेक होकर परमेश्वर की अधीन हो जाते हैं। हमें आप सबमिट करते हैं, आप समर्पण करते हैं, प्रभु जी मुझसे नहीं होगा पर आप मेरे साथ हैं तो मैं जरूर सफल होगा, मैं जरूर पवित्र रहेगा। आप अपने आप को सरेंडर, कम ऑन, समर्पण करते हैं। जो बोलो मैं अपने आप को समर्पण करते हैं ताकि मेरी शुद्ध विवेक से परमेश्वर की, क्या बोलता है, शुद्ध विवेक परमेश्वर के वश में अधीन। समझ रहे? जब आप बपतिस्मा लेते हैं आप निर्णय लेते हैं, प्रभु जी अब मैंने, अब तू मुझे पकड़ ले, शुद्ध विवेक दे, मन हृदय पवित्र कर। हमें कितना लोग समझ रहे? शुद्ध विवेक के लिए परमेश्वर की और परमेश्वर क्या वापस बोलो, शुद्ध विवेक से परमेश्वर, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के, परमेश्वर के अधीन हो जाए, अधीन हो जाए।